नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। अटभार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। माल खरोदा क्षेत्र के अटभार चौकी में दिनांक 13 अप्रैल को लक्ष्मी नारायण यादव अच्छे लाल छोटे वली के द्वारा चौकी अटभार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स को किसी अज्ञात चोरों द्वारा अटभार एवं बाजारी रोड हरदी से चोरी कर ले गया। प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 91/22 धारा 389 भादवी एवं अपक्रमांक 92/22 धारा कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश प्राप्त होने पर घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को चेक किया गया, जिसमें तीन संदेह के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करते नजर आने पर उक्त CCTV फुटेज लोगों को दिखाया गया, जिसमें लोगों के द्वारा चोरी की पहचान पिंटू उर्फ राहुल अग्रवाल निवासी भद्री चौक फगूरम, मनीष कूटे निवासी कुदरी एवं भूपेंद्र शर्मा निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान करने पर पतासाजी हेतु मुखबिर लगाया गया। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उक्त आरोपियों के द्वारा ग्राम चपले में चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। सूचना पर उपनिरीक्षक टीम के साथ रवाना होकर चपले पहुंचकर उक्त तीनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर तीनों मिलकर चोरी करना स्वीकार करने पर आरोपी भूपेंद्र ही शर्मा ही से हीरो HF डिलक्स क्रमांक CG11MB5639 एवं मनीष कूटे से मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स क्रमांक CG11AR3333 को जब्त किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मोटरसाइकिल के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।